मॉर्फिज्म का अगर आप वर्ड इस वर्ड का मतलब समझोगे तो दो वर्ड से बना हुआ है, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स एंड इट अकर्स व्हेन वी हैव मैनी क्लासेस दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय इनहेरिटेंस। जब इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, बहुत सारे क्लासेस हो जाते हैं इनहेरिटेंस में ना, दो तीन चार जो भी है, तो उस टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म का रोल ज़्यादा आता है। अब इसका एक सिंपल एग्जाम्पल आप देखो, कहाँ कैसे हो रहा है पॉलीमॉर्फिज्म, एक से ज़्यादा फॉर्म्स में कहाँ कौन सी चीज़ें नजर आ रही। एक हमने मेन फंक्शन क्लास बनाया एनिमल, एक दूसरा बनाया पिग जो एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, एक बनाया डॉग जो एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया, कौन सा इनहेरिटेंस हुआ, ये हायरकल। अब इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया एनिमल साउंड, उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे जो भी डेटा प्रिंट करना है। अब इसके अंदर भी फिर एनिमल साउंड, ठीक है, इसको प्रिंट कर, फिर इसके अंदर एनिमल साउंड। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म में, एक ही फंक्शन तीनों जगह पे यूज हो रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा इसके फॉर्म्स हो जा रहे हैं। पर्पस क्या है, अलग अलग काम कर तो रहे हैं यहाँ पे। मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर रहा है, जैसे एनिमल कोई दोबारा दो बार ये कर रहा है। एनिमल आपका क्या है यहाँ पे, एनिमल आपका पेरेंट क्लास पेरेंट है क्लास में। और इससे दो क्लासेस हो रहे हैं, तो मल्टीपल कैसे हुआ ये, मल्टीपल होता है मल्टीपल अच्छा क्लासेस से ले रहा है वो, ठीक है। ये हो गया हायरकल, हायर की ब्रांच हो गया ना इसके, एक दो, ये हो गया पीग, हो गया डॉग। हाँ।